फायरिंग शुरू होगी, हमने यही देखा एट ए टाइम फायरिंग होती रही, धमाके भी हुआ। पहले हमने पहले समझा जी गाड़ी का टायर पंचर हो गए हैं, बहुत बड़ा धमाका हुआ उसे हमें। उसके बाद में पता चला जब भी कभी ज्यादा फायरिंग शुरू होगी तो हमने फिर हमको पता चल गया जी काउंटर शुरू हो गया है। मेरा नाम पूर्ण चंद्र है जी शर्मा। ये इलाका कौन सा है जी? बरनोड है, मोड़ा बरनोड है, विलेज बदनोता है। तो यहाँ पर कल क्या हुआ था, क्या आपने देखा यहाँ पर? यहाँ पर मैंने पहले देखा, पहले गाड़ी गई 3 बजे बस, उसके बाद कोई 10 मिनट के बाद आर्मी की गाड़ियां 2 आ गई। तो हम दुकान पर बैठे तो गाड़ियों में हम फायर तो नहीं आए, तो फायरिंग शुरू होगी, हमने यही देखा एट ए टाइम फायरिंग होती रही। फायरिंग 3 बजे से लेके 3:20 के बाद शुरू हुई तकरीबन, तो 6 बजे तक चलती रही जी। तो उसके बाद धमाके की आवाज भी आई। हाँ धमाके भी हुआ। पहले हमने पहले समझा जी गाड़ी का टायर पंचर हो गए हैं, बहुत बड़ा धमाका हुआ उसे हमें। उसके बाद में पता चला जब भी कभी ज्यादा फायरिंग शुरू होगी तो हमने फिर हमको पता चल गया जी काउंटर शुरू हो गया है। 10-12 आदमी थे जहाँ पर बैठे हुए दुकान पर। उस वक्त क्या फिर मंजर था जब गोलियां चल रही थी, क्योंकि आप बिल्कुल पास थे? हाँ पास है, हम बाहर निकले नहीं जी, क्योंकि हमें दोनों साइड से गोलियां चल रही थी, हमें गोली भी लग सकती, इसलिए हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हम बाहर निकले लगातार दोनों तरफ से गोलियां कितनी देर चली? 6 बजे तक चलती रही, तकरीबन 5 बजे तक दोनों साइड चलती रही। उसके बाद कोई घंटा या पौना घंटा जो रुक रुक के जाती थी वो एक साइड ही चलती थी। तो डर लग रहा है? डर लग रहा, हम कांपते थे अंदर, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर जो इंजर्ड थे सेना के? हाँ उनको फिर जो हमने जो यहाँ पर जो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में जो दुकान पर बंदे बैठे थे उन्होंने उनसे आर्मी वालों से हेल्प मदद की, उनसे हमने उनको निकाला और रोड पे रखा जी, हमने फिर काम किया उसके बाद।